वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है मेरे चैनल में। इसका बाल बहुत पतला है, इसके बाल में शॉर्ट हेयर काटना अच्छा दिखता है, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड किया कि ये शॉर्ट हेयर काटे और ऐसे ही शॉर्ट हेयर में अच्छा दिखता है आपको, इसलिए मैंने ये शॉर्ट हेयर काटने जा रही हूँ। इसका लेंथ होता है चीन से थोड़ा ऊपर, कान पूरा कवर होता है। अभी फर्स्ट सेक्शन लेती हूँ। फर्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा सेक्शन, मतलब 2 इंचेस सेक्शन, पतला सेक्शन लेती हूँ। उसके बाद कॉम के द्वारा ऐसे बाल काटती हूँ, कॉम बाल को होल्ड करती हूँ और सीजर से ओवर द कॉम, कट ओवर द कॉम, और उसके बाद सीधा सीधा बाल मिलाती हूँ। ऐसे आप कॉम के द्वारा आप बाल को होल्ड कर सकते हैं और कैंची से आप बरोबर काट सकते हैं ऐसे। अभी सेकंड सेक्शन, अभी आप देख सकते हैं कि बाल में स्प्रे करें, उसके बाद फिर कॉम के द्वारा ही मैं बाल काटती हूँ। जैसे कि अभी सीधा सीधा काटे पहले, उसके बाद कॉम थोड़ा ऊपर करके स्टेप कट काट देती हूँ। जैसे कि कॉम को ऐसा ले ले और 1 इंच काटे, हाफ इंच आप देखिए कितना काटना ज़रूरत है, 1 इंच और हाफ इंच। समटाइम 1 इंच काटे, समटाइम हाफ इंच काटे, क्योंकि थोड़ा ऊपर तक लेयर ले जाना है तो 1 इंच काटे और थोड़ा सा करना है तो हाफ इंच इनफ। और इसमें थोड़ा इस एंड में उसका बाल थोड़ा अननेचुरल होता है क्योंकि सिल्की है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम थिनिंग, बॉटम में थिनिंग करें तो अच्छा दिखता है। और ये है थर्ड सेक्शन। अभी आप देख रहे हैं उसका बाल बहुत पतला है, पर इस ये कटिंग कटने के बाद उसका बाल ज़्यादा थिक दिखता है और अच्छा भी दिखता है उसके बाल में, उसका फेस में। अभी सीधा सीधा लेंथ काटना है पहले ऐसा, और स्टेप कट, लो स्टेप कट में कटिंग करना है ऐसे ऐसे ऐसे। ये मेथड सब में यूज होता है, जैसे कि मैं जैसे पकड़ पकड़ के बाल काटती हूँ सेक्शन बाय सेक्शन, ये मेथड कोई भी कटिंग में यूज होता है। बॉयस कट में होता है, स्टेप कट में होता है, लो स्टेप कट में होता है, बॉब कट में होता है, एवरीवेयर ये यूज होता है, एवरी स्टाइल में ये यूज होता है। और ये थर्ड, ये लास्ट का सेक्शन, ऊपर का लास्ट सेक्शन, फिर बराबर काटे, हाँ, उसके बाद हम फिर से स्टेप कट, लो स्टेप कट काटे, ऐसा आप पॉइंटेड कट काटे, इसी तरह से हम दूसरा वाला या। और पीछे का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ये ट्रिम थोड़ा मैं रेजर से थोड़ा ट्रिम कर रही हूँ ताकि अच्छे से नेचुरल से बैठे। बॉटम में थोड़ा सा थिनिंग कर रहा किया है मैंने, ऐसे। अभी मैं साइड में काटती हूँ, पीछे का ऑलमोस्ट हो गया है। अभी अनइवन का थोड़ा सा मिला रही हूँ, ओके, इट्स लुक्स नाइस। अभी देखिए आपका ऑलमोस्ट अच्छा दिख रहा है पीछे का बाल, और इसका चीन से थोड़ा सा ऊपर, मैंने पहले लंबा काट दिया, फिर उसने बोला थोड़ा छोटा करो तो फिर छोटा कर दिया,
पहले उसने बोला था कि चिन लेंथ काटना है, पर बाद में उसने थोड़ा छोटा किया। फिर स्टिप करके ऐसा काटना पड़ता है ताकि लेयर बैठे। ये हुआ स्टेप कट। जब काटते आप पॉइंटेड कट काटे, नेचुरल फॉल दिखता है। और देन अदर साइड। स्टेप कट विथ द पॉइंटेड कट। This section, step cut, follow the before guideline. उसका बाल बहुत सिल्की है और ऊपर से दोनों तरफ से बाल लेके काटने से इधर उधर दोनों साइड बराबर हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी लेके काटा। अब इसको साइड बैंग चाहिए। साइड बैंग में आप स्टेप कट काट सकते हैं। पहले साइड बैंग का पार्टीशन किधर होता है उधर से आप मांग को डिवाइड करें, उसके बाद आप थोड़ा आगे से स्टेप कट लेके काटें, अच्छा दिखता है। आपका उसका छोटा कितना चाहिए उसी हिसाब से काटें। जैसे कि अभी मैंने ले रही हूँ, जैसे कि ऐसे पार्टी डिवाइड किया, उसके बाद ऐसे पकड़ के स्टेप कट कर दिया आगे का बाल को ऐसे ऐसे। या दैट्स इट। अब थोड़ा सा बॉटम में थिनिंग कर दे ताकि लेयर अच्छा आ जाए। अगर ऐसे करने से आपका लेयर में अच्छा दिखता है। अभी ये हो गया शॉर्ट हेयर कट, लिटिल बिट अपर चिन लेंथ और कवर द ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू गाइस सी यू सून। गॉड ब्लेस। बाय बाय।